नमस्कार, मैं हूं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। तेज रफ्तार दो बाइकों की टक्कर में युवक की गई जान, खूनी हादसे में मां बेटे हुए घायल, एक रेफर। खबर जनपद बलिया से। बलिया सोनौली सिकंदरपुर बेलथरा रोड मुख्य मार्ग के कमरौता गांव के समीप आज गुरुवार को तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने सामने की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक महिला समेत दो लोग घायल हो गए। मौजूद लोगों ने घायलों को सीएचसी सिकंदरपुर भेजवाया, जहां से एक व्यक्ति की स्थिति गंभीर देख चिकित्सकों ने जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। उधर मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस हादसे की सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जाता है कि मऊ जनपद के मधुबन थाना क्षेत्र अंतर्गत भैरवपुर निवासी निखिल पांडे 25 वर्ष, अपनी मां उषा देवी 50 वर्ष सिकंदरपुर अपनी रिश्तेदारी में आए थे। गुरुवार को ये लोग बाइक से अपने गांव वापस जा रहे थे। अभी एक कमरौता गांव के पास पहुंचे थे, तभी सामने से आ रहे एक अन्य बाइक सवार विनीत सिंह 40 वर्ष, पुत्र वीर बहादुर सिंह निवासी दुबारी थाना मधुबन जिला मऊ से आमने सामने की टक्कर हो गई और इस हादसे का शिकार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार दो बाइकों की इस आमने सामने की भिड़ंत की आवाज सुनकर मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण जुट गए। आनन फानन में तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहाँ चिकित्सकों ने जांचोपरांत विनीत सिंह को मृत घोषित कर दिया। इस घटना में गंभीर रूप से घायल निखिल पांडे को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, वहीं उषा देवी को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया। उधर घटना की जानकारी होते ही निखिल के रिश्तेदार हॉस्पिटल पहुंच गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बलिया भेज दिया। ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए सिकंदरपुर से गौहर खान की रिपोर्ट।